मेरे पास कुछ पट्टियां हैं, इन्हीं पट्टियों को नेपियर की पट्टियां कहते हैं। मैं आपको इनमें से एक पट्टी दिखाता हूँ। जैसे कि ये पट्टी आप देख रहे हैं, इस पर हमने 6 का पहाड़ा लिखा है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, और प्रत्येक खाने को हमने डायगनली काट दिया। आइए अब हम सीखते हैं कि नेपियर की पट्टियाँ हमारे किस काम आ सकती हैं। मान लीजिए मैंने 2 पट्टियाँ एक साथ यहाँ रखी हैं, अभी मैं आपको एक जादू दिखाने जा रहा हूँ। जैसे ही ये 2 पट्टियाँ हमने एक साथ रखी, जिसमें यहाँ है 6 और यहाँ है 9, तो ये हमारे पास 69 का पहाड़ा तैयार हो गया है। इसे पढ़ना कैसे है? जो भी संख्याएं एक खाने में होंगी उन्हें हम आपस में जोड़कर पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ है 6 और 9, 69 एकम 69। यदि हम 69 दूनी देखेंगे तो इस खाने में है 1, इस डायगनल खाने में यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 1, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2 और 1, 3, और यहाँ है 8। तो हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी 1, 3, 8, यानी 138, 69 दूनी 138। इसी प्रकार आगे बढ़ने पर 69 दिया 1, 8 और 2 है 10, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2, 0, 7, 69 दिए 207, 69 चौके 276, 69 चौके 276, 69 पांचे 345, 69 छिके 6 और 5 11 है, उसका 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, यहाँ बचाएगा 1, तो ये बन जाएगा 3 और 1 4, 1 4 414, 69 छिके 414। इसी प्रकार से 69 7 8 9 और 69 10 से तो 690 होता ही है। हम इन नेपियर 2 पट्टियों को साथ रखने से एक पूरा पहाड़ा पढ़ सकते हैं। इससे भी बड़ा जादू ये है, यदि हम यहाँ पर 2 से ज़्यादा पट्टियाँ रख देंगे, जैसे यहाँ मैं फिलहाल 3 और ये 4 और ये 5, अभी मैंने फिलहाल यहाँ 5 पट्टियाँ रखी, यदि हम इसी क्रम में इनको प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास 69,487 का पहाड़ा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो ये है इन नेपियर पट्टियों का कमाल। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन नेपियर पट्टियों की मदद से हम बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को भी सरलता से खेल खेल में सीख सकते हैं। ये है नेपियर।